प्रदेश के रामपुर जिले में लूटपाट के बाद महिला के साथ बलात्कार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि बेखौफ बदमाशों ने पहले लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, उसके बाद पति को बंधक बनाकर जंगल में महिला के साथ रेप किया। पीड़ित ने टांडा कोतवाली पहुंचकर पुलिस को घटना की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने महिला का प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया है। उधर मौके पर एएसपी अरुण कुमार सिंह रवाना हो गए। बदमाश लूटपाट कर पति को बंधक बनाकर तमंचे के बल पर पत्नी से दुष्कर्म करने की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। वारदात टांडा कोतवाली थाना क्षेत्र की है, जहां सोमवार देर शाम बाइक सवार दंपत्ति के साथ अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। बताया गया है कि बदमाशों ने पहले लूटपाट की, उसके बाद पति को बंधक बनाकर जंगल में महिला के साथ दुष्कर्म किया। पीड़ित ने कोतवाली पहुंचकर पुलिस को इसकी तहरीर दी। महिला का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है। उधर मौके पर एएसपी अरुण कुमार सिंह रवाना हो गए। सूचना के मुताबिक टांडा कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक अपनी पत्नी को ससुराल से विदा कराकर बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में बाइक सवार दो बदमाशों ने ओवरटेक कर उन्हें रोक लिया, फिर तमंचे के बल पर लूटपाट की। पत्नी के गहने, मोबाइल व 10,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद एक बदमाश ने पति को बंधक बना लिया, जबकि दूसरा महिला को जंगल में ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी है, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित पति ने बताया कि पत्नी के साथ बाइक से लौट रहा था। रास्ते में कोहरा बहुत था। रास्ते में दो बाइक सवार बदमाशों ने ओवरटेक कर गाड़ी रोक ली और चाबी निकाल ली। इसके बाद गाली गलौज करते हुए तमंचा और छुरी निकालकर गर्दन पे लगा दिया और जान से मारने की धमकी दी। बदमाशों ने पत्नी की सोने की चेन, कान की बाली, मोबाइल फोन और 10,000 रुपए छीन लिए। पीड़ित ने बताया कि लूट के बाद बदमाशों ने उसके हाथ बांध दिए और एक बदमाश पत्नी को जंगल में लेकर चला गया और उसके साथ रेप किया। उसने बताया कि मामले में पुलिस को तहरीर दे दी गई है। वहीं एएसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को यूपी 112 को एक सूचना मिली कि एक लूट की वारदात हुई है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद पता चला कि बाइक सवार पति पत्नी के जेवरात, मोबाइल और रुपए लूट लिए गए हैं। इसके बाद फिर पता चला कि एक बदमाश ने पत्नी के साथ दुष्कर्म भी किया है। इसके बाद पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। महिला का मेडिकल करवाया जा रहा है। मामले के खुलासे के लिए सर्विलांस और थाने की टीम आरोपियों को पकड़ने में जुटी है। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। सवार जब बाइक सवार आए तो गाड़ी के सामने आके लगा दिए गाड़ी अपने। जब गाड़ी के सामने लगा दिए तो मजबूरन मेरे को रोकनी पड़ी गाड़ी। फिर उन्होंने गाली दी, चाबी निकाल ली। चाबी निकालने के बाद में मैं उतर नहीं रहा था गाड़ी से, तो उन्होंने तमंचा लगा दिया मेरे कान पे और छुरी लगा दी। उतरता है या मार दू, उतार के ले गए। फिर जंगल में को ले गए। ले जाने के बाद में चीज जो छोटी थी वो सारे को छीन लिए। गले का पेंडल था सोने का और ये कानों में बाली थी, ऊपर की बाली थी सोने की। आपकी वाइफ की? हाँ, वाइफ की। ये छीन लिए। छीनने के बाद में मेरे हाथ पैर बांध के डाल दिए। हाथ पैर बांध के डालने के बाद में कैसे बांधा था आपको? तो मफल था। नहीं, बांधा किस चीज से था? पेड़ से। पेड़ से बांधा? पेड़ से बांधा। पेड़ से बांधने के बाद में फिर क्या बोलते हैं, जैसे पेड़ से बांध दिया। पेड़ से बांधने के बाद में फिर खोल दिया। 5 मिनट के बाद खोल दिया। अच्छा। खोलने के बाद में फिर उसके बाद में ले गए अल तरफ, दूसरी तरफ, उधर से निकाल के दूसरी तरफ ले गए। दूसरी तरफ ले जाने के रोड पे बांध के फिर मेरे को डाल दिया, हाथ बांध दिया। तो घरवाली से बोला कि मैं पूछताछ करूँगा। ठीक है, पूछताछ करता रहा। बाद में बोला कि तुम एक तरफ को चलो, मैं पूछताछ करता हूँ तुम्हारे से। ले जाने के बाद में मुझे ये पता नहीं कि क्या करा, क्या नहीं करा, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। मगर बाद में आके इन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसा करा। अच्छा, रेप बताया? हाँ, रेप बताया। किसी पे शक है आपको? नहीं, शक नहीं। तो FIR दर्ज हो गई आपकी? हाँ जी, हो गई FIR। मेडिकल हो गया? मेडिकल। हाँ जी, क्या हुआ है आपके साथ? मैं कैसे आ रही थी? मैं कैसे आ रही थी? हाँ। जी, तो रास्ते में हिल गया हम दोनों को। जी, मैं कैसे आ रही थी तो घर रास्ते में हिल लिया। हाँ। अब रास्ते में उतार कर ले गए हमें। कैसे जा रहे थे आप? गाड़ी से, बाइक से? अपने पति के साथ जा रहे थे? हाँ। फिर कहाँ की घटना आई है? नखवा नंगले के पास की है, आगे के नखवा नंगले से। अब ले गए पकड़ के और इनके हाथ बांध दिए और मैं आगे को ले गए, इन्हें बांध कर डाल गए। अच्छा, दो जने हैं? दो जने थे। हाँ। तो ये सड़क की बात है या अंदर की बात है?
सड़क पे तो गाड़ी रोकी, अंदर को ले गए, अंदर ले गए थे। एक महिला शाम की, एक महिला से उसके दंपत्ति से लूट का मामला, उसके बाद दुष्कर्म का मामला सामने आया, क्या है पूरा मामला? ये कल यूपी 112 में रात्रि में एक सूचना आई कि लखमन नगला के पास एक व्यक्ति से लूट हो गई। सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी मौके पर गए तो पता चला कि पति पत्नी अपने गांव जा रहे थे, रास्ते में लतीफपुर पुलिया के पास पीछे से एक बाइक पर बदमाश आया गाड़ी रोका और उन्होंने उनसे पत्नी के कानों की बाली, पहले का प्रेगनेंट और पति से रुपए लूट लिए। अभी ये छानबीन सब चल ही रही थी, क्षेत्र अधिकारी भी मौके पर आए, रात्रि में देर रात गए, वादी ने शिकायत की इस घटना के दौरान उसकी पत्नी के साथ एक बदमाश ने उसका मर्डर किया है। तत्काल उसे इस हादसे की तहरीर लेने का प्रयास किया गया, उन्होंने तहरीर दिया, अभी उसको जीवित कर दिया गया है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और हमारी सर्विलांस की टीम और थाने की टीम दोनों घटनास्थल के आसपास, जो कि ये बॉर्डर का थाना है, बगल में मुरादाबाद जनपद लगता है और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड की सीमाएं हैं, तो हम पूरी तत्परता से इस प्रयास में लगे हैं। इस घटना का जब वो जो लूट बता रहा है कि तमंचे के बल पे लूट किए, बंधक बना कर के उसको, नहीं उन्होंने जो लिख दिया है वो तमंचा और चाकू लिखा है उसने, जो तमंचा चाकू निकाल दिया गाड़ी, पहले उन्होंने पीछे से ओवरटेक करके गाड़ी अड़ाई और फिर तमंचा निकाल लिया, चाकू निकाल लिया और उनसे पहले उन्होंने लूटपाट कर ली और 3-4 घंटे तक वो इसी तथ्य पे रहे जिसके आधार पर पुलिस आगे कार्रवाई कर रही थी। लेकिन बाद में उन्होंने ये बताया कि उनकी पत्नी के साथ उसका वजह ऐसी घृणित घटना भी हुई है, तो मामला और संवेदनशील हो जाने का नाते तत्काल उनसे तहरीर लेने का प्रयास किया और जैसे उन्होंने तहरीर लिया उसके बाद उसने उन्होंने मजबूत करके हम आगे की कार्यवाही कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अति शीघ्र इस घटना का अनावरण होगा और जो लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो कानून के माध्यम से सर। पीड़ित जो पति है महिला का, उसके मुताबिक दो लोग थे, मुकदमा एक अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ है। मुकदमा अज्ञात है, एक नहीं होता, अज्ञात है। तहरीर आप पढ़िए, तहरीर में जो उसने लिखा है तो उसके बाद अज्ञात लिखा जाता है। कालम में जब ज्ञात होते हैं तो अलग अलग नाम लिखा जाता है और अगर अज्ञात है तो अज्ञात लिखा जाता है। नहीं, संख्या एक दिखाई ना सर उसमें। संख्या से एक मतलब नहीं होता भाई, मेरे अज्ञात का एक कालम होता है, अज्ञात में 10 लिखे, 20 लिखे, 1 लिखे, अगर अज्ञात ऐसा नहीं, अज्ञात 1, अज्ञात 2, अज्ञात 3, अज्ञात 4। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।